बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर रुबीना और आज आप लोगों को मैं जिस बीमारी के बारे में बताऊंगी, बीमारी बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस वक्त जो बारिशें नहीं हो रही और वेदर जो हमारा है खुश्क है, ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से नज़ला, ज़ुकाम और ये खांसी, ये सब बीमारियाँ उरूज पर पहुँची हुई हैं। लोग इससे ख़तरे में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि कोरोना ना हो जाए, क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स यही हैं, नज़ला, खांसी, गले में तकलीफ। तो इसके लिए एक तो एहतियात कीजिए आप लोग, सबसे पहले ये कि हाथ धोएं, हाथ धोने के बाद जो भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस तरह से बताया गया है कि 6 फीट का फासला ज़रूर रखें, और अगर छींक आती है, खांसी होती है, तो उसमें भी आप टिशू इस्तेमाल करें और उसको डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि सफाई हमारे इस्लाम में भी निस्तेमाल है। सफाई नहीं होगी तो उसके बाद नज़ला और बुखार और ये सारी बीमारियाँ इसी से लग जाती हैं। दमा, सांस की तकलीफ, ये सब इसी से ही बीमारियाँ शुरू होती हैं और इसी से ही स्टार्ट हो जाती हैं। एकोनाइट जब आप शुरू में, जैसे ही आप लोग नज़ला हो, खांसी हो, बुखार हो, और आप लोग महसूस करें कि ये सब चीज़ें हमें हो रही हैं और खौफ हो कि ये कोरोना ना हो, इसकी वजह से डर खौफ बैठा हो, तो एकोनाइट बहुत ही बेस्ट दवाई है। इसके आप 30 में ये एक दवाई आती है एकोनाइट, ये जो क्लिनिक में हम लोग रखते हैं ये एकोनाइट, इसके आप 30 में ले लें और 2-2 ड्रॉप्स पानी में मिलाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में अपने सब लिख देती हूँ, इसके दवाई का भी लिख देती हूँ और ये भी लिखती हूँ मैं कि ये अपना नंबर भी मेरा लिखा होता है, क्लिनिक का एड्रेस भी होता है। मैं बीच बीच में रोक रोक के बार बार इसीलिए बताती हूँ कि शुरू में सारी मैं नहीं बताती, बार बार बताती रहती हूँ कि आप लोगों को जो भी मालूमात करनी है, मेरा नंबर डला हुआ होता है, आप लोग उस पर पूछ सकते हैं मैसेज करके। और 3 बजे से 5 बजे तक मेरे आराम का टाइम होता है, तो उस वक्त मैं नहीं किसी का भी फ़ोन उठाती ना बात करती हूँ। इसके अलावा मेरा 11 बजे से और 2 बजे तक क्लिनिक का टाइम होता है, आप लोग जो भी आना चाहता है, कराची में क्लिनिक है, आप लोग आ सकते हैं। ये एकोनाइट ये 30 में 2-2 ड्रॉप्स पानी में मिला के 3 टाइम, कोई भी बड़ा है, छोटा है, और अगर बहुत छोटे बच्चे हैं 1 साल से लेके 5 साल 6 साल तक, तो आप 1 ड्रॉप्स पानी में दें 3 टाइम, इंशाल्लाह ताला इससे ये जो स्टार्ट में जितनी बीमारियां होती हैं, हर बीमारी के लिए एकोनाइट, नज़ला, खांसी, बुखार और भी जो सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं वो, उसके लिए ये दवाई दें। गले में तकलीफ, बहुत जल्दी आराम आ जाता है। एक और दवाई हमारी है, ये बहुत बेस्ट है, ये इससे जब सांस की तकलीफ हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, नज़ला होता है छींके, और फिर कभी नज़ला छींकों की सूरत में होता है, कभी गले में तकलीफ़ हो जाती है, और कभी इससे ये होता है कि गले में जब नज़ला गिरता है तो खांसी भी होती है। मैं आप लोगों को इतनी ज़्यादा इसके सिम्टम्स और इतनी ज़्यादा वो नहीं बता सकती, इसलिए कि शॉर्ट वीडियो होती है। आपको जो पूछना हो मुझे डिस्क्रिप्शन में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ लें, मैं आपको बताऊँगी। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिखा होता है। यह है आर्सेनिक 30, इसके भी 2-2 ड्रॉप्स लीजिए। इंशाल्लाह ताला जो नाक से रतूबत निकलती है छींकों के ज़रिए और गले में गिरता है नज़ला, उससे ये बहुत ही बेस्ट है ये दवाई। और अगर ये जो तकलीफ़ हो जाती है गले की, बहुत ज़्यादा गले की भी चल रही है आजकल, उससे फिर बुखार हो जाता है, और बुखार में आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, गले में तकलीफ़ है, नज़ला, खांसी, बुखार और जो भी है सिम्टम्स आपके ये हैं नज़ले के, इसमें ये बेलाडोना 30 में, ये भी 2-2 ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ये तकलीफ़ें नहीं होंगी। और ये जो मैं दवाइयाँ आपको बताती हूँ सब होम्योपैथिक दवाइयाँ, होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी। ये मैं आपको क्लिनिक पर दिखाती हूँ क्योंकि जो मैं क्लिनिक पर रखती हूँ वही दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग इसके ऊपर ये नहीं देखा करें, बस दवाई का नाम देख लिया कीजिए, कंपनी कोई भी हो आपको होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएंगी। और एक साइनस जी, ये साइनस जेड ड्रॉप्स हैं ये, इसके ये जो जिन लोगों को
एलर्जी से छींकें आने लगती हैं, जो अब डस्ट वाली सुबह हवा चली है इतनी ज़्यादा, और गर्मी डस्ट की हवा, बारिशें नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कराची में वेदर ख़राब हुआ हुआ है। कभी वो दिन में गर्मी होती है, रात में ठंडा हो जाती है, इसकी वजह से छींकें और नज़ला खांसी बुखार होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले छींकें आती हैं, फिर नज़ला होता है और बुखार होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग ये साइनाज़ी, ये बहुत बेहतरीन दवाई है एलर्जी के लिए। आप लोग खुद भी सर्च कर लिया करें, होम्यो की दवाइयाँ सब आपको मिल जाती हैं, और ये दवाइयाँ जितनी भी हैं ये सब आपको होम्यो स्टोर से मिलेंगी। ये डॉक्टर ज़िया की ये वाले ड्रॉप्स यही मिलेंगे, ये और किसी उसमें कंपनी में नहीं मिलेंगे, ये है, मैं बार बार दिखाती हूँ, डॉक्टर ज़िया के। तो ये आप जाके साइनस के ही ले सकते हैं। और भी आप लोगों को जो मेरी मेडिसिन मालूम करनी है वो आप लोग मुझसे मालूम कर सकते हैं। वीडियो में जितना कुछ भी मैं आप लोगों को बताती हूँ ये सिर्फ आप लोगों के लिए डालती हूँ, ताकि आप लोग कम खर्च में और ज़्यादा से ज़्यादा जो बीमारियों का ये इलाज है ये कर सकें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं और ज़्यादा मज़ीद, क्योंकि मैं यहाँ क्लिनिक में पेशेंट देख लेती हूँ, मैं ये सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए डालती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो और इसका इलाज आप लोग कर सकें अपना खुद ही। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते इन दवाइयों के, ये दवाइयाँ आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हर दवाई का जो भी सिम्टम्स और ये मैं आपको बताती हूँ, तो ये आप लोग इसके हिसाब से दवाई ले लीजिए। ये सारी दवाइयाँ मैं नहीं कहती कि सारी लीजिए, लेकिन एक एक दवाई जो भी सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं इसके, कि अगर आप लोगों को ये आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक नज़ला खांसी में सब में इस्तेमाल होती है, और एकोनाइट मैंने बताई है, तो ये आपको स्टार्ट में जो भी खांसी नज़ला होता है उसके लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए। और ये जो दवाई बताई है ये साइनस जी, ये उसके लिए बताइए कि एलर्जी जो होती है उसके लिए आप इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप लोग इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा महसूस करेंगे, और मुझे दुआ में याद रखा कीजिए, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।